अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा UPI, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के जरिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जय भीम। बाबा साहब के घर पर हमला करने वाला हुआ बेनकाब। दशोद्र पर देखिए राजगृह के गुनहगार का चेहरा। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इसी व्यक्ति पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के घर राजगृह में तोड़फोड़ करने का आरोप है। दादर के जिस घर में तोड़फोड़ हुई उसके CCTV में इस व्यक्ति की यह हरकत कैद हो गई। पूरा मामला आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। दशोद्र पर आज हम आपको बहुजन समाज की विरासत को नुकसान पहुंचाने वाले का चेहरा भी दिखाएंगे। पहले वीडियो में ये व्यक्ति गेट के बाहर खड़ा दिखाई देता है। इसके हाथों में पत्थर हैं और ये बिना किसी डर के घर पर लगातार पत्थर फेंकता रहता है। यानी बाबा साहब के घर पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया था। इस वीडियो में इसका चेहरा भी साफ साफ देखा जा सकता है। सड़क पर ट्रैफिक है और लोग भी आ जा रहे हैं, लेकिन इसे किसी का खौफ नहीं। वहीं लोगों ने भी इस सिरफिरे को रोकने की कोशिश नहीं की। इसने पहले घर पर पत्थर फेंके और फिर गेट खोलकर घर में दाखिल हो गया। दूसरे वीडियो में यही व्यक्ति गेट से दाखिल होता दिखाई दे रहा है। इसने सिर पर पॉलिथीन जैसा कुछ पहना हुआ है। कैमरे में इसके चेहरे का भी कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसके बाद कैमरा वन में पौधे फेंकने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। देखिए कैसे ये आदमी गमलों को जमीन पर गिराकर पौधों को उखाड़ कर फेंक रहा है। कैमरा टू में भी इसकी ये घटिया हरकत साफ साफ देखी जा सकती है। एक एक कर ये आदमी आंगन में रखे गमलों को तहस नहस करता है। ऐसा लग रहा है कि मुंबई में इसे ना कानून का खौफ है और ना ही सरकार का। घर में काफी देर उत्पात मचाने के बाद ये व्यक्ति गेट से बाहर चला जाता है। दशोद्र को सिद्धार्थ चाबुकस्वर की ओर से भेजी गई इन तस्वीरों से साफ हो जाता है कि कैसे सोची समझी साजिश के तहत इस आदमी ने राजगृह को निशाना बनाया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आरोपी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच चल रही है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन सही नहीं था तो फिर इतने शातिराना अंदाज में इसने घर पर हमले को कैसे अंजाम दिया। बाबा साहब के ऐतिहासिक घर पर हमले के बाद से ही बहुजन समाज में जबरदस्त गुस्सा है। ऐसे में मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो सच को सामने लाए। मुंबई से सिद्धार्थ चाबुकस्वर के साथ टीम दशोद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें दशोद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।